नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमुवा गांव में देर रात एक घर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गांव निवासी राजन कुमार मिश्रा ने बताया कि अपने परिवार सहित मांगलिक आयोजन में भाग लेने गए थे। घर में विद्युत उपकरणों में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शोरगुल सुनकर घटनास्थल की तरफ दौड़े लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। इस बीच अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कपड़े, बिस्तर, खाद्यान्न, बर्तन और जेवरात से समेत लाखों रुपए के सामान आग की भेंट चढ़ गए। अब परिवार के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। राजन कुमार मिश्रा ने बताया कि परिवार के लोग जो कपड़े पहने थे बस वही रह गया है, बाकी कपड़ा, अनाज, नकदी सहित सारा सामान चलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सभा मुआमापी थाना गोपीगंज जिला सुंदर विधानसभा नगर का निवासी हूँ मैं। बगल के बड़े भाई के यहाँ से बारात गई थी तिलठी। हम सब परिवार सहित बच्चे सहित गए थे बारात में। सभी महिलाएं उनके घर पर गई थी और 9:30 बज रहा था रात में। और घर से सूचना गई, फ़ोन आया कि आपके घर में किसी अज्ञात वस्तु से आग लग गई है, जिसके वजह से वहाँ से हम लोग वहाँ से चले। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया गया, फायर ब्रिगेड भी आ गया। ग्राम सभा के सभी लोग आकर आग पर काबू पाया गया और सभी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। जो वस्त्र हम लोग पहने हैं सिर्फ वही वस्त्र हम लोगों के शरीर पर, बाकी सब जलकर खाक हो गया। जो बचा हुआ अन्न था, पैसा जो था और जो वस्तुएं थी सब जलकर खाक हो गई। हमारे पास कुछ भी इसमें बचा नहीं हुआ। मतलब कि लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग अगर जोड़ने से हमारा कम से कम 2 लाख रुपए का नियर बहुत नुकसान हुआ होगा। अच्छा, इसमें कुछ जेवरात या कोई जेवरात भी थे, सभी जलकर खाक हो गए। कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ क्या हो गया। मतलब सारे लगभग 2 लाख रुपए का? हाँ, लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आपके सामने सब वस्तुएं रखी हुई हैं, अगर यहाँ से कुछ छेड़छाड़ी नहीं की गई है किसी। तो इस संबंध में क्या आपने पुलिस से सूचित किया या कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया वहाँ पे? पुलिस को सूचित नहीं किए हैं साहब जी। और हाँ, घर के अकेले होने के कारण सूचना किसी को नहीं दिया, लेकिन 112 नंबर रात में 9:30 बजे आई थी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। फायर ब्रिगेड आया और उन्होंने लिख कर गए हैं यहाँ से। अच्छा, तो उसके बावजूद भी तो थाने में आपको एक एप्लीकेशन देना चाहिए था ना कि मतलब कि किस तरीके से आग लगी, अज्ञात कारणों से ही लिख कर देते आप? जी जी, अब अभी वहाँ करने वाले थे लेकिन सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ था, जिसके वजह से हम पहुँच नहीं पाए हैं। अब पहुँच कर वहाँ पर एप्लीकेशन एक दायर करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।